नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। आतंक के खिलाफ ब्रिक्स के साथ खड़ा हुआ बिम्सटेक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दों को बताया पाकिस्तान का प्यारा बच्चा और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। तो वहीं तिलमिलाए पाक ने कहा ब्रिक्स को गुमराह कर रहा है भारत। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। जम्मू कश्मीर के राजौरी में की फायरिंग, गोलीबारी में एक जवान शहीद। तो कश्मीर के अनंतनाग में 5 पुलिस वालों के हथियार छीनकर भागे आतंकी। मोदी के गढ़ गुजरात में सीएम केजरीवाल की दहाड़। सूरत में नाम लिए बगैर अमित शाह को बताया जनरल डायर, बोले बीजेपी और कांग्रेस है पति पत्नी। चाचा भतीजे की लड़ाई के बीच शिवपाल यादव का बड़ा बयान, कहा पार्टी को मिला समर्थन तो सीएम के लिए अखिलेश का नाम खुद करेंगे आगे। आज खत्म हो रही है आपके 21 विधायकों के जवाब देने की डेडलाइन। लाभ के पद को लेकर चुनाव आयोग ने मांगा था जवाब। चीन ने शुरू किया अब तक का सबसे बड़ा मानव युक्त अंतरिक्ष अभियान। आज 2 अंतरिक्ष यात्रियों समेत अपने मानव युक्त यान को अंतरिक्ष भेजा। 30 दिन प्रयोगशाला में रहेंगे अंतरिक्ष यात्री। और लोढ़ा समिति की सिफारिशों पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। बीसीसीआई प्रमुख अनुराग ठाकुर राजकोट में दायर करेंगे हलफनामा। सूत्रों के मुताबिक बोर्ड अपने रुख पर कायम। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीपी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।